हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रवि पटेल, प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी चैनल के अंदर एक और बार आप सब लोगों का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, हम ये वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि बैंक निफ्टी जो है वो आने वाले दिनों के अंदर क्या पॉसिबिलिटी है, कहाँ पर वो जा सकता है और आगे क्या ये फिर से 25,000 आएगा, 26,000 जाएगा, नहीं जाएगा, वो सारी बातें जो है वो हम यहाँ पर ये वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम पहले बात कर लेते हैं पहले उसके सपोर्ट से। तो जो नंबर वन सपोर्ट है वो है 24,000 का लेवल। ठीक है, 24,000 का जो लेवल है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है बैंक निफ्टी के लिए। नेक्स्ट वीक के अंदर अगर बैंक निफ्टी जो है वो ये लेवल को ब्रेक करता है तो थोड़ा सा करेक्शन जो है वो इसके अंदर पॉसिबल है। दोस्तों, यहाँ पर मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ करेक्शन, मतलब यहाँ पर कोई बड़ा जो है वो गिरावट जिसे हम कहते हैं वो आने के चांसेस मुझे नहीं लग रहे। अभी जो है वो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके हम जो है वो ऊपर की तरफ जा सकते हैं। 26,000-27,000 के आसपास जो है वो हम वहाँ पर जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है 24,000 के लेवल के आसपास अगर ये लेवल जो है वो ब्रेक होता है तो 27,750 के आसपास जो है वो हम जा सकते हैं। ये जो होगा वो हमारा फाइनल सपोर्ट बनेगा नेक्स्ट वीक के लिए। अगर हमारा फाइनल सपोर्ट जो है वो ब्रेक हो जाता है, इसके नीचे जाके अगर ये सस्टेन कर लेता है, रुक जाता है दोस्तों, तो हम जो है वो बैंक निफ्टी के अंदर 23,500 के आसपास जो है वो जा सकते हैं। अगर हम ये वाला जो लेवल है वो भी ब्रेक कर देते हैं तो 23,250 के आसपास जो है वो जा सकते हैं। तो ये मैंने बात कर ली उसके सपोर्ट के बारे में। जैसे कि पिछले वीडियो के अंदर हमने बात की थी कि 22,800 जो है वो बेहतरीन हमारा फाइनल टारगेट था। अगर इसके ऊपर अगर हम डूब जाए, टिक जाएंगे, तो हमें बहुत ही बढ़िया रैली देखने को मिल सकती है। और सेम दोस्तों वैसा हुआ, जैसे ही हमने उसके ऊपर निकले, क्लोजिंग किया, तो ये जो है वो बहुत ही बढ़िया ऊपर की तरफ जो है वो खींच के ले गया है। और अब जो है वो चांसेस ये है कि एक बार जो है वो हम 25,000-26,000 के आसपास जो है वो आराम से जा सकते हैं। इसके अंदर कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं लग रही है, तो आपको जो है वो वहाँ पर ध्यान देना है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं उसके टारगेट के बारे में। तो नंबर वन जो टारगेट है नेक्स्ट वीक के अंदर दोस्तों वो है 24,850 का लेवल, जो हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। तो ये सपोर्ट के ऊपर आपको जो है वो ध्यान देना है दोस्तों। अगर ये सपोर्ट जो है वो सस्टेन कर गया, उसके ऊपर जो है वो अगर हम रुक गए, तो हमारा फाइनल टारगेट जो है 25,200 उसके आसपास जो है वो जा सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर जो हमारा फाइनल टारगेट है वहाँ पर आपको जो है वो थोड़ा ध्यान देना है। अगर हमारा फाइनल टारगेट जो है वो सस्टेन हो गया, इसके ऊपर अगर हम रुक गए, टिक गए, क्लोजिंग कर लिया, तो हमें बहुत ही बढ़िया जो है वो मूवमेंट देखने को मिल सकती है लगभग 25,450 के आसपास। और इससे ज़्यादा जो अगर हम ऊपर जाते हैं तो 25,700 का जो लेवल है उसके आसपास जो है वो हम जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जो है वो दोस्तों ध्यान रखना है। तो ये हमारे सपोर्ट और टारगेट हो गए बैंक निफ्टी के लिए। अगर आप स्टॉक के अंदर काम करते हो दोस्तों, तो आप जो है वो हमारा ग्रुप है स्टॉक के बारे में, जिसके अंदर जो है वो हम डिफरेंट टाइप के स्टॉक जो है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो आप जो है वो हमारा स्टॉक वाला जो ग्रुप है वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो हमारी एप्लीकेशन के ऊपर। हमारे एप्लीकेशन का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड किया है। नॉमिनल चार्जेस के ऊपर जो है वो हम हमारा स्टॉक वाला जो ग्रुप है वो बताते हैं, और वहाँ पर कौन कौन से ऐसे जो स्टॉक है जो हमें नियर टर्म के अंदर बहुत ही ज़्यादा जो है वो बेनिफिट दे सकते हैं, उन सब के बारे में जो है वो हम वहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप हमारा स्टॉक वाला जो ग्रुप है वो ज्वाइन कर सकते हो। तो दोस्तों, ये ध्यान रखना सपोर्ट और टारगेट के बारे में बैंक निफ्टी के अंदर क्या हो सकते हैं क्या नहीं, जो मैंने बता दिया आपको। और ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव है, गलती से शॉर्ट करने का ट्राई मत कर देना कि ऊपर आ गया चलो नीचे आ जाएगा, ये काम बिल्कुल मत करना। अगर नीचे जाता है तो ओनली उसको एक करेक्शन मानना, क्योंकि अभी जो है वो ऐसा कोई सिम्टम नहीं मिल रहा है कि ये जो है वो कोई डाउनफॉल के ऊपर जा सकता है। अभी चांसेस ये है कि ये ऊपर ही जाएगा। ठीक है,
तो ये मैंने बात कर ली उसके सपोर्ट और टारगेट के बारे में, नेक्स्ट वीक में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, बेनिफिट होता हो आपको, वीडियो से फ़ायदा होता हो दोस्तों, तो आप वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।